कैसे कर सकते हो? उस जगह के बारे में जानते हुए तुमने उसे वहाँ भेजा? नहीं, मुझे नहीं पता था कि उस जगह का इतना बुरा हाल है। तुम्हें पता था या नहीं पता था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खुशी को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता ना? तो फिर खुशी ने ऐसा क्या किया है कि पता नहीं क्या किया थी। ऐसा कुछ नहीं है। हम देख सकते हैं जो ये तुमने डराने के लिए अपना खड़ूस अर्णव सिंह रायजादा वाला चेहरा लगा के रखा है ना, हम उस चेहरे के पीछे अपने छोटे को देख सकते हैं। उसके मन की सारी बातें पढ़ भी सकते हैं। तुम जानते हो कि तुम्हें उस लड़की को वहां नहीं भेजना चाहिए था, वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन तुम मानना नहीं चाहते, है ना? छोटे, हम दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत दर्द झेले हैं, उसे धोखा भी खाया है, लेकिन ये सब हमारा अतीत है। हमने तुम्हें पहले भी कहा था, जो बीत गया उसे अपने आज पे हावी मत होने दो। दिल से वो सारी यादों को निकाल दो अर्णव। ती, मैं पुरानी यादों में फंसा नहीं हूं। मैं पुरानी यादों में फंसा होता तो अपनी किस्मत पे रो रहा होता, अपनी किस्मत यूं खुद बना नहीं रहा होता। तुम अपनी किस्मत बना चुके हो छोटे, लेकिन इन सब में तुम कहीं खो रहे हो। तुम्हारे जो दिल में है ना, वो तुम्हारे चेहरे पर क्यों नहीं है? क्यों तुम ये मानना नहीं चाहते कि तुम खुशी के लिए परेशान हो रहे हो? जो भी तुमने किया उससे तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम वक्त पे वहां ना पहुंचते, तुम्हारे दिए हुए काम की वजह से खुशी की जान भी जा सकती थी। तुम उसे घर लेके गए थे ना, कैसी थी वो? बेहोश थी। और अब? पूछा नहीं। इसीलिए तुम परेशान हो रहे, तुम जानना चाहते हो कि वो कैसी है। हम उनके घर पे फोन लगाते हैं, हमने इस बार उनसे नंबर भी लिया था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाय नंद किशोर, पहलिया तू तो कह रही थी कि आपत की पुड़िया सोए रही है। ये तो चटकारे का इंतजाम कर रही है, चटोरी नंबर वन। खुशी बहुत परेशान है, जब वो परेशान होती है ना तो ऐसी ढेर सारी जलेबियां तलती है। एक मिनट श्याम जी, हम जाकर देखते हैं। खुशी, बस करो, आपका पूरी बारात को जलेबी खिलाई हो। बुआ जी, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं ना। ठीक है, इतनी रात को कौन का फोन है?
हेलो जी, हम अंजलि बोल रहे हैं। अंजलि? अर्णव की बहन अंजलि। अब क्या हुआ? कल फिर से खुशी को किसी काम से घर बुलाना है या फिर आज रात को ही काम याद आ गया आपको? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आज जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए माफी मांगना चाहते थे, इसीलिए फोन किया। खुशी कैसी है? जी वो ठीक है, अभी हम रखते हैं। उनकी बहन ने उठाया, बहुत नाराज थी, पर हम बड़ी बहनें ही तो अपने छोटों के लिए लड़ती हैं ना। मैंने पूछा ही नहीं। हाँ, तुमने थोड़ी ना पूछा, तुम्हारी ये जो दोनों आंखें हैं ना वो हमसे पूछ रही थी। बिल्कुल परेशान मत हो, खुशी अब ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पायल जी, किसका फोन था? वही अर्णव सिंह रायजादा की बहन अंजलि। वही अर्णव जो उन खुशी को यहाँ छोड़ कर भरा? जी बुआ जी। ये अच्छा है नंद किशोर, भाई करे बेहाल और बहन पूछे हाल चाल। ये पहलिया, जोन कुछ हुआ है उस सब के बारे में तोरे अम्मा बाबूजी को पता चले तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचे, इही लिए इन लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। इन अमीरन से दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। जी बुआ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही। खुशी जी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद इस सब के बारे में खुशी को रामायण सुनाने की जरूरत नहीं है कि कौन का फोन आया कौन का नहीं आया, समझे हो? ये देखो नंद किशोर, इतना सा परेशान हुई है तो ये हाल है, और कहूं ज्यादा परेशान भाई तो जलेबियन का पूरा हिमालय पर्वत बना के खड़ा कर दी है। छोड़ो ना खुशी, बहुत थकी हुई हो तुम, अब बस भी करो। अरे नंद किशोर, बस करो खुशी, कितना जलेबी बनाई हो, जलेबी बनाए का कंपटीशन थोड़ा हो रहा है, राशन खत्म हो गया, घी शक्कर सब खत्म हो गया, अब वैसे भी एक आराम करने की जरूरत है ना, सुनत भी तो नहीं है नंद किशोर, नींद के जैसे लगी है, क्या करे। एक दो तीन चार पाँच छः, जलेबियों की शतक पूरी करने में बस 10 की कमी रह गई है, आप लगे रहिए। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। वैसे खुशी जी, आप ये जलेबियां क्यों बना रही हैं? अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए। सच्ची जलेबियां बनाकर? ये तो बढ़िया तरीका हुआ अपने गुस्से पे काबू पाने का, और साथ साथ पेट पूजा भी हो जाती है। ये आपका गुस्सा और ये आपके ख्याल, जितना घोलमोल आप इन जलेबियों को तलेंगी
इतने ही गोलमोल आपके ख्याल होते जाएंगे। यहां ढेर बढ़ता जाएगा पर आपका गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। खुशी जी, हम तो कहते हैं कि इस गोलमोल के चक्कर को तोड़िए, अपने ख्यालों को अलग अलग कीजिए और फिर देखिए मजा। Hmm?